तो और भाई लोग क्या हालचाल है यार। तो भाई फाइनली इंतजार खत्म हुआ और जवान का प्रीव्यू देखने मिली गया हमें। अब ये प्रीव्यू क्या होता है ये सबको जानना है, बट दिमाग मत लगाओ, प्रीव्यू का मतलब भी टीजर या ट्रेलर ही होता है। ये बस हमें थोड़ा पागल बनाने के लिए किया गया था, और हम शाहरुख खान के प्यार में पागल तो है ही, तो क्या हम सभी बन गए पागल। तो भाई जवान का टीजर देख के जो मजा आया है, वो मजा लास्ट टाइम कौन से टीजर को देख के आया था मुझे याद भी नहीं है। जी हाँ, मैं इसको टीजर ही बोलूंगा, क्योंकि ट्रेलर तो अभी आएगा मेरे भाई। लोग तो भाई अभी से ही दिवाली मनाने लग गए हैं। बॉयकॉट करने वाली गैंग भी अब बोल रही है भाई इसको तो बॉयकॉट नहीं कर सकते हैं। फाइनली एटली कुमार ने अपना जलवा दिखा दिया। पठान ने अभी क्या पैसा कमाया था, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी देखना क्या बवाल पैसा छापने वाली है ये मूवी। तो चलो टीजर की सारी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को पूरा देखना, और वीडियो अच्छी लग जाए तो एक लाइक कर देना, और सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, जवान की चर्चा तब से हो रही है जब से शाहरुख खान ने ब्रेक लिया था। अभी 4 साल बाद एसआरके वापस आते हैं, तो देखते हैं कि भाई बॉलीवुड का तो बुरा हाल हो गया है, मैं गायब क्या हुआ, कोई बॉलीवुड को संभालने वाला ही नहीं रहा। फिर एसआरके पठान बन के आते हैं और सबकी बोलती बंद कर देते हैं। पठान इतना पैसा छापती है जितना किसी ने सोची ना थी। और फिर पठान के बाद एसआरके अब जवान के साथ वापस आने वाले हैं, बट सामने है प्रभास जो कि सलार के साथ खड़े हैं। लेकिन जवान का जो बवाल मचा है आज, उसने सलार को कहीं पीछे ही छोड़ दिया है। अभी सब के सब लोग बस जवान के प्रीव्यू की ही बात कर रहे हैं। मेकर्स ने मूवी को जून से जो सितंबर में शिफ्ट किया, उसका फल हमें प्रीव्यू में देखने मिल रहा है। क्या सिनेमैटिक शॉट है, क्या बवाल म्यूजिक है, क्या एक्शन सीक्वेंस है, और शाहरुख खान सर के सभी लुक्स भाई साहब बहुत ही खतरनाक। बात करें टीजर की, तो भाई टीजर स्टार्ट होता है अपने एसआरके के डायलॉग से कि मैं कौन हूँ, कौन नहीं पता नहीं, माँ को किया वादा हूँ या एक इरादा हूँ। इस डायलॉग के बीच में जो सीन्स देखने मिलता है वो इतना परफेक्टली कट करा गया है कि मूवी का कोई प्लॉट हमें रिवील ही नहीं होता। हमें मूवी के कितने सारे शॉट दिखा दिए गए हैं, लेकिन प्रीव्यू तो प्रीव्यू होता है ना भाई, बिना कुछ भी स्टोरी बताए हमें मूवी के लिए एक्साइटेड कर दिया। टीजर के स्टार्ट होता ही पता नहीं क्यों मुझे डॉन की वाइब आई, और एसआरके के बहुत सारे लुक्स भी दिखाए गए जिसमें से यह अपरिचित जैसा मुझे बहुत ज्यादा ही बढ़िया लगा, और वो टकलू वाला भी। एक सीन में तो मुझे मून नाइट भी याद आ गया था। लोगों का कहना है कि मूवी में एसआरके का डबल रोल होने वाला है। अभी एसआरके खुद भी बोल रहे हैं कि मैं पुण्य हूँ या पाप हूँ, ये आप खुद से ही पूछना। अरे सर खुद से क्या पूछे, आप जो भी हो हमें तो मजा आने ही वाला है। शायद एसआरके का कैरेक्टर निगेटिव होने वाला है अपने रॉकी भाई की तरह, बट ये समाज की बुराइयों को मिटाने के लिए थोड़े बहुत बुरे काम करता है जिससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एसआरके बोलते भी है कि जब मैं विलन बनता हूँ ना तो मेरे सामने कोई हीरो टिक नहीं सकता। अब इनके सामने ये खुद ही होंगे या कोई और फिलहाल तो नहीं पता है, लेकिन ये मूवी मांस मसाला से भरपूर होने वाली है और खूब सारा पैसा छापने वाली है, क्योंकि इसके प्रीव्यू को देख के कोई भी खुद को इस मूवी को देखने से रोक नहीं पाएगा। मूवी की कास्टिंग को लेकर मैं बहुत खुश हूँ भाई साहब, क्या कास्टिंग है। शाहरुख खान, नयनतारा, विजय सेतुपति, दीपिका पादुकोण और ना जाने कितने कैमियोज भी शूट किए गए हैं भाई साहब। जब ये एक साथ स्क्रीन पर दिखेंगे तो क्या ही बवाल मचेगा, आप मानो या ना मानो ये मूवी बहुत तगड़ा जाने वाली है। अभी जब इसका ट्रेलर आएगा तो हमें इस मूवी के बारे में और पता चल जाएगा। वो लास्ट में डांस वाला पार्ट तो भाई कमाल ही कर गया, सबकी फटी पड़ी है और अपने एसआरके मस्त नाच रहे हैं। एसआरके का कैरेक्टर इतने टेंस माहौल में भी फुल खतरनाक चिल माहौल में है, ऐसे कैरेक्टर मुझे बहुत मस्त लगते हैं। एटली कुमार ने भाई अपना काम कर दिया है, और अब जनता भी अपना काम करने के लिए फुल तैयार बैठी है। जवान को देखने के लिए लोग अभी से पागल हो गए हैं। आपने अभी तक इसका प्रीव्यू देखा कि नहीं, और देख लिया है तो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और ये वीडियो अच्छा लग गया हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल पे नए आ गए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, जिससे चैनल ग्रो होने में थोड़ा सा सपोर्ट मिले। मैं तुमसे मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।